आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप पूरे देश में बहुत तहलका मचा रहे हैं सर। आपके वीडियो देख देख करके हम लोग जो है इतने उत्साहित हैं कि 80 साल में भी मैं कुछ नहीं हूँ, कोई गोली नहीं खाता हूँ किसी प्रकार की। डॉक्टर साहब को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज हैबिट व बिहेवियर पर अपना हेल्थ से संबंधित लेक्चर दिया। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ हेल्थ से संबंधित, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो डायवेक्सी टीम कर रही है उससे संबंधित। सुबह घूमने और प्राणायाम योगासन करने से डायबिटीज से शरीर नष्ट होने से बच जाता है। इसके साथ ही डायबिटीज में डायवेक्सी आटा का लगातार निर्बाध रूप से प्रयोग करने से मनुष्य को किसी प्रकार की गोली खाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वस्थ होता है। मैं लगभग 12 साल से डायबिटिक हूँ और कभी कभी गोली भी खाता हूँ, लेकिन लगातार योगासन, प्राणायाम, सुबह घूमना, दौड़ना, ये सब मेरे रूटीन में है, जैसे आपने आदत की बात कही। तो इससे मैं आज 80 साल में भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, कहीं कोई शरीर में दिक्कत नहीं है। डायवेक्सी ने मेरी सारी गोलियां छुड़वा दी। अभी आपसे कुछ महीने ही पहले हमारी भेंट हुई थी और अभी पूरा एक महीना नहीं हुआ है आपको रिवर्टीज प्रोग्राम अटेंड किए हुए। रिवर्टीज प्रोग्राम अटेंड करने से शरीर में पहले से अधिक एनर्जेटिक हो गया है मेरा। डायवेक्सी टीम डायबिटीज दूर कर मानव सेवा का जो कार्य कर रही है वह अद्भुत है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। मैं विश्वास से कहता हूँ कि जो भी दुखी व्यक्ति डायवेक्सी से जुड़ेगा वह निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। इसमें आपको डॉक्टर मिलेंगे, उनकी सलाह मिलेगी, इसमें आपको डाइटिशियन मिलेंगे, उनकी सलाह मिलेगी, इसमें आपको ट्रेनर मिलेंगे और उनकी भी सलाह मिलेगी, और सबसे बड़ी बात सर्वे सर्वा मिस्टर लोकेन तोमर मिलेंगे जो सरल भाषा में आपको सभी परेशानियां दूर करेंगे। उनका मोटो ही है नॉलेज एंड डिसिप्लिन, और ये मोटो केवल इसी बीमारी के लिए नहीं है सर, सब बीमारियों के लिए और बीमारी के नहीं पूरे जीवन के लिए आवश्यक है नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर ये फॉलो करता है आदमी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं तो सभी से आज से अनुरोध करता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप लोग डायबिटीज जुड़े और उनके बताए निर्देशों को पालन करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। मेरा सर मेरा एक आखिरी प्रश्न था कि अपन लोग जो है भारत में 5.6 या 5.5 को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अब आजकल ADA जो है 7.5 तक ही नॉर्मल मानता है अमेरिकन। नहीं सर, वो मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो 7.5 नॉर्मल नहीं है। वो जो स्टडीज जो बताई गई है उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप गोली लेके और 7.5 आ रहा है तो और ज्यादा गोलियां देके उसको कम करने की कोशिश ना करें, आप लाइफ स्टाइल पे फोकस करें, डाइट पे फोकस करें उसको कम करने के लिए, और मतलब दवाइयों के भरोसे उसको 7 से नीचे कम करने की कोशिश ना करें। ऐसा वो कहना चाहते थे लेकिन उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मीडिया में फैला, तो वो ऐसा वो गाइडलाइन में वैसा नहीं लिखा है, गाइडलाइन में अलग लिखा है। हम लोग कोई गोली नहीं खा रहे हैं साहब, पूरी तरह 120-80 प्रेशर, ब्लड प्रेशर रहता है और खूब घूमते हैं, जन लोग बढ़िया खाते पीते हैं और 80 से 75 से 80-85 तक फास्टिंग रहते हैं और 120-125 या 117 तक जो है TP रहता है। हम तो पूरी तरह आपसे संतुष्ट हैं और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि मानव सेवा में इसी प्रकार आप लगे रहें, ईश्वर आपकी मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू श्रीवास्तव जी के लिए एक बार सब लोग तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच।